नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। पंचकुला में लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाते मसाज पार्लर पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे बंद करा दिया। लगभग एक महीने से हरियाणा में पूर्णतः लॉकडाउन लगा हुआ है। इसमें केवल जरूरी सामानों की दुकानें खोलने की अनुमति है, वे भी तय समय पर। परंतु कुछ मसाज पार्लर इन नियमों की अनदेखी कर लॉकडाउन का मजाक बना रहे हैं और कोरोना महामारी को बढ़ावा दे रहे हैं। सेक्टर 20 के मसाज पार्लर पर पुलिस की लाइव रेड पड़ी। ये मसाज पार्लर पुलिस थाने से महज 150 मीटर की दूरी पर चल रहा था और इसके साथ साथ दो और मसाज पार्लर भी चल रहे थे। पुलिस को इसकी सूचना मिलते ही मसाज पार्लर के मालिक को गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम त्रिपाठी है। पुलिस विभाग पर प्रश्न उठना लाजमी है कि लॉकडाउन के नियमों के तोड़ते मसाज पार्लर मालिकों को क्या पुलिस का भय नहीं है या फिर पुलिस की शह पर चल रहे हैं। अब ये तो जांच का विषय है, देखते हैं पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारी आखिर क्या कार्रवाई करते हैं। पंचकुला से हमारे संवाददाता कपिल नागपाल की रिपोर्ट। सर, अभी एक मसाज पार्लर पे रेड मारी है, सर क्या मामला है, सर बताएंगे? मामला ये है, अभी आज हम गश्त में थे, गश्त के दौरान जो है ना, हमें एक टेलीफोन के माध्यम से सूचना मिली कि एक मसाज पार्लर जो है ना HDFC बैंक के ऊपर खुला हुआ है। तो इस सूचना पर जाके हमने रेड करी तो वहाँ खुला हुआ था और उस बंदे के खिलाफ पर्चा दर्ज कर दिया गया है। नाम उसका त्रिपाठी है, ठीक है, पुष्पेंद्र त्रिपाठी, और मुकदमा दर्ज कर दिया। तब तक सर, जब आपने रेड मारी कुछ लड़कियां भी अंदर से मिली? नहीं, ऐसा लड़कियां नहीं मिली, ठीक है, खुद मालिक मिला है।